ओम शांति। आज की तारीख है 4/5/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है। आँखों से भले इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर और शिव बाबा को ही करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार और फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल और हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न तो पूज्य बनता हूँ ना पुजारी, मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। आइए आगे सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं और इसी ही स्मृति में हमें रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। नंबर दो है, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का कि पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि एक दो को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आपका गुण पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों व्यवहारों में ही सर्व का प्रिय बना देते हैं। बाप का भी मुख्य यही गुण है। बाप कहते हैं, बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। तो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के भी प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय, वही बच्चे एवर रेडी हैं। स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।